दोस्तों वक्त आ गया एक और वन पीस कवर स्टोरी का। दोस्तों अगर मैं सच कहूँ तो इस वीडियो को बनाने से पहले तक मैं भी नहीं जानता था कि आखिर कैरिबू वानो कैसे पहुँचा। बट जो भी हो, कैरिबू का वानो पहुँचना वर्थ वाइल था हमारे हीरो के लिए। एंड सरप्राइजिंगली ये कवर स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, तो जस्ट बेयर विद इट। ओके, हमने वानो से पहले आखिरी बार जब कैरिबू को देखा था तब वो पेकोम्स के हाथों चमटा खाकर फिशमैन आइलैंड पर ही कहीं पड़ा हुआ था। और फिर जब उसे होश आया और वो पूरी तरह से रिकवर हो गया तब उसने क्या क्या किया वो आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलो आओ यार शुरू करते हैं। फिशमैन आइलैंड पर एक और खूबसूरत दिन। लोग फिशमैन आइलैंड पर अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे कि तब अचानक कहीं दूर से मर्मर्स की चीखों की आवाज सुनाई देती है। कैमरा धीरे धीरे फोकस करता है और तब हमें पता चलता है कि वो करीबू है जो वहां की खूबसूरत मर्मर्स को फिर से किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। मोमेस की चीखों की आवाज़ सुन वहाँ हमारा जिम्बे आ पहुँचता है और अपने फिशमैन कराटे की टेक्निक का मुजाहरा करते हुए जिम्बे कैरिबू का टकला सुझा देता है और फिर कैरिबू को चेन से बांधकर एक बैरल में भरकर उसे मरीन्स को सौंपने की तैयारी करता है। फिर जिम्बे वहाँ पर लोगों को वेव करते हुए एक कोटेड बोट में उसे फिर से सरफेस पर ले जाने के लिए निकलता है। जिम्बे कैरिबू के साथ बीच रास्ते में पहुंचने वाले थे कि अचानक कैरिबू का छोटा भाई कोरिबू आ जाता है अपनी नई नवेली बोट में फिर से अपने बाकी के क्रू के साथ कैरिबू को छुड़ाने के लिए। ये देखकर जिम्बे अपने फिशमैन वाले दिमाग का यूज करता है और वो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में कैरिबू को बोट में बैठा कर स्विम करते हुए वहां से कल्टी मार लेता है। और जब जिम्बे कैरिबू के साथ सरफेस पर आता है तब हमें पता चलता है कि जिम्बे कैरिबू को G5 मरीन बेस पर ले आया है। ये वही G5 मरीन बेस है जो वाइस एडमिरल स्मोकर के अंडर है, जिसे फिलहाल लीड कर रहा है कोमोडोर यारीसुगी, क्योंकि स्मोकर और कैप्टन तशिगी उस वक्त पंख हैजर्ड में थे। तो जिम्बे कैरिबू को वहां बेस के शोर पर फेंककर वहां से चला जाता है और कैरिबू वहां कोमोडोर यारीसुगी के हत्थे चढ़ जाता है। वो कैरिबू को टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके इमेजिन कर रहा था और जब यारीसुगी कैरिबू को जलाकर टॉर्चर करने की शुरुआत ही करने वाले थे कि तब अचानक कैरिबू का छोटा भाई और बाकी का क्रू वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर कैरिबू डर के मारे उसे जल्द से जल्द बचाने की भीख मांगते हैं। पायरेट्स मरीन्स पर अटैक कर देते हैं और हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि फाइट स्टार्ट होने से पहले ही मरीन्स ने कैरिबू पर आग लगा दी थी। वेल, किसी तरह उसके छोटे भाई ने कैरिबू को बचा लिया और आग की वजह से उसको बांध कर रखने वाली वो रोज भी जल गई, जिससे कैरिबू आज़ाद हो गया। और आज़ाद हो जाने के तुरंत बाद ही कैरिबू अपने छोटे भाई की शिप लेकर अकेले ही G5 मरीन बेस से निकल जाता है और अपने भाई और बाकियों को G5 मरीन बेस पर छोड़ देता है मरने के लिए। मगर हमें पता चलता है कि वहां से निकलने के सिर्फ कुछ ही समय बाद कैरिबू की शिप किसी तूफान में पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वेल, ये तो होना ही था। एक फुल फ्लैश शिप को चलाने के लिए क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है जो कैरिबू के पास नहीं है, तो ये अंजाम तो होना ही था। और इस इंसिडेंट को ओडा ने नाम दिया है डिवाइन पनिशमेंट। और कैरिबू कोई छोटी सी नाव लेकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कैरिबू उस तूफान से बैरली सर्वाइव करता है मगर उस तूफान की वजह से वो किसी विंटर आइलैंड पर जा गिरता है जहां हम देख सकते हैं कि वहां के पेड़ भी किसी तरह जॉइंट से बनाए गए हैं, प्रॉब्ली लकड़ा या मेटल। मगर जब कैरिबू होश में आता है तब वो खुद को एक नए घर में नए पैजामे में और कोजी बेड पर पाता है जिसे कोई ओल्ड ग्रैनी संभाल रही थी जो बैठे बैठे ही सो गई थी। वो ये ग्रैनी थी जिसने कैरिबू को बचाया और उसकी देखभाल की, मगर बदले में कैरिबू उठने के साथ ही उस ग्रैनी का खाना और ज्वेलरी चुराने की मूड में था। मगर जब ग्रैनी उठी तब उसे ज्वेलरी चुराने की कोशिश करने के लिए उसे माफ कर देती है। साथ ही वो ग्रैनी कैरिबू को पहनने के लिए कोट और रास्ते के लिए एक मीट पाई से भरा हुआ लंच बॉक्स भी देती है और कैरिबू को हार्बर तक जाने का रास्ता भी बताती है, जिससे कैरिबू थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा है। मगर जब कैरिबू हार्बर जाने के लिए निकलता है तो कुछ लोग कैरिबू को गाबीरू करके बुला रहे थे। शायद वो लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे क्योंकि जैसा मार्क उनके कपड़ों पर था ठीक वैसा ही मार्क कैरिबू के कोट पर है जो उसे ग्रहणी ने दिया। शायद वो लोग कैरिबू को कोई और समझ रहे थे। मगर तभी ग्रहणी आ जाती है और उन लोगों को भगा देती है और उसके बाद फिर से कैरिबू पोर्ट जाने के लिए निकलता है। मगर वहां तक पहुंचने से पहले ही पता नहीं क्यों कैरिबू वापस मुड़ जाता है और छिपते छिपाते अपना लंच बॉक्स खा रहा था, इस बात से अनजान कि जो लोग उसे रास्ते में मिले थे वो लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। और तब कैरिबू डिसाइड करता है कि वो इसकी जड़ तक पहुंच कर ही रहेगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट कवर में हमें पता चलता है कि वो ग्रुप कोई रेवोल्यूशनिस्ट है जिसके कमांडर की शक्ल ठीक कैरिबू की तरह है और वो लोग इस आइलैंड पर कोई वेपन फैक्ट्री चला रहे थे और तैयारी कर रहे थे अपने नेक्स्ट रेबेलियन की। अब ये अब तक साफ नहीं है कि वो लोग रेवोल्यूशनरीज का हिस्सा है या फिर कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जब रेवोल्यूशनिस्ट गाबीरू का नाम लेकर चिल्ला रहे थे तब अचानक वहां स्कॉच आ पहुंचता है
जो एम्परर काइडो के लिए काम करता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग जिस भी आइलैंड पर हैं वो काइडो की टेरिटरी का हिस्सा है और वो रेवोल्यूशनिस्ट काइडो को अपोज करती है, जिसकी वजह से स्कॉच को आना पड़ा इन सबको सबक सिखाने के लिए। स्कॉच वहाँ पहुँचकर सबको धूल चटा देता है और उनका फ्लैग जलाकर खाक कर देता है, और ये सब देखकर कैरिबू की फटके चार हो जाती है और वो वहाँ से कल्टी मार लेता है। वहाँ से निकलकर वो जाता है सीधा ग्रहणी के घर पे, और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उस ग्रहणी के घर पर आग लगी हुई है और ग्रहणी खुद ज़मीन पर पड़ी हुई है, और ठीक बाजू में ही एक पिक्चर फ्रेम है जिस पर लिखा है आई लव ग्रैंडसन गाबिरू। इट अपीयर्स कि वो रेवोल्यूशनिस्ट का कैप्टन सर गाबिरू ग्रहणी का ग्रैंड चाइल्ड है, और जब ग्रहणी उठती है तो पता चलता है कि वो कैरिबू को भी गाबिरू समझ रही है और वो कैरिबू से और फाइट ना करने की मिन्नतें कर रही है। मगर फिर सडनली स्कॉच दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है, जिसमें ग्रहणी को भी चोट लग जाती है। कैरिबू की शौक के मारे आँखें बाहर आ जाती हैं और ग्रहणी कैरिबू को बचाने के लिए स्कॉच से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है, और कैरिबू बिना वक्त गवाए पीछे से कल्टी मार लेता है और पता नहीं कहाँ पर वो वहाँ से भाग जाता है। और पीछे का बैकग्राउंड देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरा आइलैंड आग की चपेट में आ गया हो। मगर जैसे ही वो पोर्ट पर पहुँचता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने थी मरीन वॉरशिप जो कैरिबू का पुराना क्रू G5 से चुरा कर लाए थे। और कैरिबू को देखकर ही उसका छोटा भाई उससे ज़ोर से जादू की झप्पी देता है और बाकी का क्रू उसके पीछे से उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। उसका छोटा भाई बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इन दोनों भाइयों के बीच में कोई फ्रिक्शन हो। उनकी दादी की आज्ञा थी कि ये दोनों भाई हमेशा साथ में ही रहें। और ये सब सुनकर कैरिबू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर वही दूसरी तरफ स्कॉच ने ग्रहणी को कब्जे में लिया हुआ है ताकि बाकी जिंदा बचे रेवोल्यूशनिस्ट के आगे एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। मगर फिर स्कॉच को दूर से ही मरीन वॉरशिप शोर पर पहुंचते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर स्कॉच भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि नेवी कभी भी किसी एम्परर की टेरिटरी में एक वॉरशिप को भेजने की गलती करेगी। फिर कैरिबू बाहर आता है एक्टिंग एज अ ग्रैनीज ग्रैंडसन, जिसे देखकर ग्रैनी और स्कॉच सरप्राइज हो जाते हैं। कैरिबू का क्रू बाकी सारे स्मॉल फ्राइज का मुकाबला करते हैं तो कैरिबू अकेला स्कॉच का सामना कर रहा है। फिर कैरिबू स्कॉच के मुंह में अपनी डेल फ्रूट पावर को खुला छोड़ देता है, जिसे स्कॉच सफोकेट होने लगता है और कैरिबू स्कॉच को हरा देता है। फिर कैरिबू और बाकी सारे वर्कर्स जो काइडो के लिए उस आइलैंड पर वेपन की फैक्ट्री चलाते थे उसको जलाकर राख कर देते हैं और सारे वर्कर्स को भी फ्री कर देते हैं। उस आइलैंड पर जश्न का माहौल है। फिर सारे आइलैंड वासी और वर्कर्स कैप्टन गाबिरू को, जो ओरिजिनली कैरिबू है, उसे लोग एक हीरो का खिताब देते हैं, और लोग कैप्टन गाबिरू का नाम जोरों शोरों से चिल्ला रहे थे। और कैरिबू अपने भरे हुए पेट के साथ ही किसी लकड़े के बॉक्स पर बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। मगर उनका ये जश्न ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और सडनली एक डायनासोर अटैक कर देता है, जिससे कैरिबू जख्मी हो जाता है। फिर दूसरे कवर पर रिवील होता है कि वो डायनासोर कोई और नहीं बल्कि वर्स्ट जनरेशन का कैप्टन पायरेट एक्स ड्रेक है, जो अब एम्परर काइडो का एक सबऑर्डिनेट है। ड्रेक वहाँ पर कैरिबू और उसके सारे क्रू मेंबर्स को हराने के बाद कैरिबू को वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है वापस काइडो के बेस पर। मगर जाने से पहले ग्रैनी कैरिबू को एक आखिरी बार मीट पाई से भरा हुआ लंच बॉक्स देती है, और बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि कैरिबू का क्रू उससे सलामी दे रहा है, और ड्रेक कैरिबू को घसीटते हुए अपनी शिप में ले जाता है। ग्रैनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोचकर कि कैरिबू ने उसे और उसके लोगों को ड्रेक से बचाया। और उसके बाद ग्रैनी असली गाबिरू के ग्रेव को विजिट करती है, जिस पर ग्रैनी ने कैरिबू का वांटेड पोस्टर लगा रखा है और कैरिबू का शुक्रिया अदा करती है। ये देखकर पता चलता है कि ग्रैनी शुरू से ही जानती थी कि उनका ग्रैंडसन पहले ही मर चुका है, और ये भी कि कैरिबू एक इम्पोस्टर है। तो दोस्तों, ऐसे वानो पहुंचा वेट अगली हेयर कैरिबू, और आई एम श्योर कि शोहेट के साथ वानो से निकलने के बाद कैरिबू सीधा उस विंटर आइलैंड जाएगा, अनलेस सोडा के दिमाग में कैरिबू को लेकर कोई और प्लान हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। अगर आपको भी कैरिबू का कैरेक्टर पसंद नहीं है तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कोई सजेशन है या रिक्वेस्ट है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। Gather up all of the crew, it's time to ship up Binx's brew. Wave goodbye, but don't you cry, our memories remain. Our days are but a passing dream, everlasting though they seem. Beneath the moon we'll meet again, the winds are lullaby. Gather up all of the crew, it's time to ship up Binx's brew. Sing a song and play along, for all the oceans wide. After all is said and done, you'll enjoy.
skeletons of Stranger Things.